How are you? I hope you are safe in your home. I am Sonia, your English teacher. Today I am going to teach you about the tenses. So, first of all, what are tenses? Tenses kya hote hain? Tenses are the rules of grammar, English grammar, those tenses that ki which verb is going on which time. It means सबसे पहले हम इसकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. टेंसेस आर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. विच टेंसेस दैट which verb is going on which time. इसका क्या मतलब है कि जो टेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर के वो नियम है जो कि हमें बताती हैं. क्या बताती हैं कि विच वर्ब कि कौन सा काम हो रहा है और किस समय में हो रहा है. पीस जो टेंसेज होते हैं वो हमारे टाइम और हमारे वर्ब इन दो चीजों पर डिपेंड करते हैं. जैसे एक टाइम और दूसरा क्या है हमारा वर्ब. ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि आई एम teaching you at this time. अब इसमें क्या है, काम कौन सा हो रहा है. I am teaching you at this time. It means कि मैं आपको इस समय पढ़ा रही हूँ. तो ये क्या है, एक काम है जो कि मैं इस समय कर रही हूँ. ठीक है, अब इसके अंदर जो वर्क है वो क्या हो रहा है हमारा, teaching. ठीक है, तो आपको टेंसेस के अंदर दो चीजों का ध्यान रखना है, एक टाइम का और सेकेंड हमारा है वर्ब का. ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था जो मैंने क्लियर कर दिया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ टेंसेस. आपने present tense, past and future. present means जो हमारा आज है और past means जो चला रहेगा और future means जो कल आएगा. ठीक है, तो इसके टाइप्स है जिसमें से मैं आपको सबसे फर्स्ट नंबर वाला जो present tense है उसको आज मैं आपको teach करने जा रही हूँ. ठीक है, तो first है हमारा प्रेजेंट टेंस जो है. प्रेजेंट टेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है इट मीन्स कि जो काम हो रहा है, जो काम आज है. जैसे कि फॉर एग्जांपल है इसके, इसका रूल क्या है. सबसे पहले मैं आपको रूल बताऊंगी. इसके अंदर रूल में बताया गया है कि इसमें मेन वर्ब की एंड है, मेन वर्ब एंडिंग विद. क्या है इसमें, इसमें हम ता ते ती ता के ती का यूज होता है. ठीक है, ये इस
कि मेन वर्ब के एंड में जैसे कि क्या है, मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं स्कूल जाता हूं क्या है, इसमें एंड में क्या आया था, है ना। मैं खाना खाता हूं, अब इसमें भी क्या आया, एंड में था। तो इस तरह से क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ता ते ती वर्ड का यूज होता है, ठीक है। अब इसकी इसकी मैं आपको पार्ट्स बताने जा रही हूं। देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो लेट अस स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फोर पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये प्रेजेंट टेंस की हमारी फोर पार्ट्स थे, जिसके अंदर मैं आज आपको ओनली फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है बच्चों। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है हमारा सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसकी मैं आपको अलग अलग से इनकी इनका रूल बताऊंगी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी क्या पहचान है, जो नेगेटिव है उसमें नॉट वाली सेंटेंसेस आती है, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उसके अंदर हमारी डब्ल्यूएच वाली फैमिली आती है, ठीक है। तो इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें इसका रूल है, इसका रूल क्या है बच्चों, सॉरी, कि इसमें ही शी इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आई डूई यू एंड दे के साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करती है। ये मैं आपको पहले क्लास में भी बता चुकी हूँ लास्ट ईयर में, कि जो हमारी ही शीट है वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज करते हैं, और हमारा जो आई वी दे हैं जो हमारी प्लूरल है उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि मैं आपको अगर आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर है हमारे थ्री पर्सन होते हैं, ठीक है। अब इन थ्री पर्सन के अंदर हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई माई मी, सेकंड है वी ओवर अस, एंड सेकंड पर्सन है हमारा यू योर्स यू,
तो ये हमारे थ्री पर्सन थे जिसके अंदर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस लगाती है और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब इसके अंदर क्या बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल है हमारा जैसे कि आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाती हूँ। अब इसके अंदर जो आई है वो हमारा क्या है, वैसे तो सिंगल है बट हम इसको फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो वो हमारे क्या है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ही गोज टू स्कूल। अब इसके अंदर क्या बताया गया बच्चों कि जो ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी गो थी, इसके साथ हमने ईएस लगाया। ठीक है, ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल आपको लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी नेगेटिव सेंटेंस क्या होती है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट है सेकंड पार्ट के अंदर बताया गया है नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड पार्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट वाली वाक्य जिसके अंदर हम कोई नेगेटिव वाली बात करते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस ही डू ऑब्लिक डस प्लस ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसके अंदर इसमें हम नॉट लगाएंगे, डू डस नॉट प्लस ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ही ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा डू डस आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसका फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल